आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कैरेट कलौंजी टी, जिसपे चार ही इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं। वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को एंड तक देखते रहना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये चार इंग्रेडिएंट वाली चीजों से बनाई हुई हमारी टी, जो की आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी, आपका वजन घटाएगी, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छे है, और विंटर में तो इस टी को बिल्कुल पीना चाहिए। चार इंग्रेडिएंट से बनी हुई टी आपके बालों का अच्छा करेगी, आपके स्किन को अच्छा करेगी। तो चले मैं आप लोग को उस टी की रेसिपी देता हूँ। इस टी को बनाने के लिए हमें चाहिए पहला इंग्रेडिएंट, जो कि है जीरा। एकदम अच्छा सा क्लीन जीरा लेना। और ये है हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट, अजवाइन। अजवाइन भी यहाँ पे लिया है 25 ग्राम। सारे इंग्रेडिएंट 25-25 ग्राम लिए। अजवाइन बोलते, अजवाइन बोलते इसका बहुत प्रोनाउंसिएशन होता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है कैरेट सीड, गाजर के बीज है। और चौथा इंग्रेडिएंट हमारी कलौंजी नाजिला सीड। तो ये चारों इंग्रेडिएंट को इक्वल इक्वल मात्रा में ले लिया है, 25 ग्राम 25 ग्राम। आगे का प्रोसेस करते हैं। जीरे को मिक्सी में डाल देंगे, और ये रोस्टेड नहीं है, जैसे नॉर्मल होते वैसे ही है। मिक्सी का ढक्कन बंद करके इसको हमें पीसना है। पर पीसना कैसा है आपको, इसको दरदरा पीसना है, लाइक दिस, कि आपको सिर्फ उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं, ताकि वो टी इन्फ्यूज अच्छी तरीके से हो पाए और अपना जितना भी एक्स्ट्रैक्ट है उस पानी में निकाल पाए। आपको इन सारे इंग्रेडिएंट का डिटेल में वीडियो में आने वाले टाइम में बताऊंगा ही। पर ये है हमारा अजवाइन। अजवाइन थोड़ा सा गर्म होता है, जीरा ठंडा होता है थोड़ा सा, तो दोनों का तासीर बैलेंस हो जाता है। कलौंजी थोड़ी सी गर्म होती है, पर अभी ठंड के दिन है, तो ये टी ठंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वजन घटाएगी। देखिए, हमने यहाँ पे अजवाइन भी अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। इसको भी उसी तरीके से ग्राइंड करना है, दरदरा मतलब कि टुकड़े टुकड़े करने हैं हमें उस चीज़ के। पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, हम इसका चूर्ण नहीं बना रहे, हम इसका टी बना रहे हैं, जो कि आप इजीली बना सकते हो निकाल करके। आपको कोई ज़्यादा टाइम खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। और ये है कलौंजी। कलौंजी के तीसरे नंबर पे कलौंजी को पीसा है, पर कलौंजी बहुत ज़्यादा कड़ी होती है, इसके टुकड़े जल्दी से होते नहीं है, पर जितनी टूट जाए उतनी टूट जाए, बाकी की वैसे रहने दीजिए। और कलौंजी को देखिए, थोड़े से टुकड़े हुए हैं, पर बाकी की सीधी जैसी थी जैसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी इसमें डाल देंगे। और हमारा लास्ट इन्ग्रीडियंट है, जो कि है कैरेट सीड, वो भी इसमें डाल देंगे। गाजर के बीज है, ये हमारे घर के खेत के ही है, तो इसमें गंदगी थी पर मैंने निकाल दी, तो इसमें ये डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरीके से बंद करके हम टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, मतलब कि हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ सीधे है, कुछ के टुकड़े, थोड़ा सा पाउडर भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। आपको इसको फर्स्ट नंबर पे ऐसा मान लीजिए कि थोड़ा चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा टी पाउडर बन चुका है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस टी को यूज़ कैसे करना है, एक टीस्पून लेना है, उसको 200 ml पानी में बॉईल करना है। पानी को कम नहीं करना है, थोड़ा देर तक ही बॉईल करना है, 2-3-4-5 मिनट तक बॉईल करना है इसको। 5 मिनट से ज़्यादा मत बॉईल कीजिए, उसका 5 मिनट में सारा एक्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। ये देखिए, ये टीस्पून इतना आप भर करके डाल दीजिए। इस टी को 2 टाइम लेना है, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले, तो आपका ये बहुत अच्छे से वेट लॉस करेगी। एक टाइम के लिए बस इतना ही यूज़ करना है आपको। टी की रेसिपी आप लोग को पसंद आई है मुझे पता है। टी को फॉलो जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, नीचे कमेंट जरूर करना, और आने वाले टाइम में इस टी का रिव्यू जरूर करना मेरे वीडियो के नीचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। बाय बाय।